हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 3 टू द पावर 2 एन प्लस 2 माइनस 8 एन माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64 एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको हमें प्रूव करना है कि बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से कि किससे डिविजिबल है, 64 से डिविजिबल है। ये कॉन्सेप्ट में बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे। ये हमारा क्या होता है, एक्स प्लस वाई होल पावर एन का एक्सपेंशन क्या होता है, एन सी जीरो एक्स टू द पावर एन प्लस एन सी बनाएगा इंटू एक्स द पावर एन माइनस वन इंटू में वाई अप टू एन सोन लास्ट में एन सी एन वाई की पावर एन। ठीक है, सो क्वेश्चन में हमारे पास है 3 टू द पावर 2n+2 माइनस 8n-9। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 और उसकी पावर एन प्लस वन लिख सकते हैं। माइनस का कितना है, 8n है, और माइनस का कितना है, 9 है। डेट दी हमारे पास आ जाएगा 9 की पावर n+1 आ जाएगा, माइनस का 8n और माइनस का कितना है, 9 है। इसको 9 क्या लिख सकते हैं, हम 1 प्लस का 8 लिख सकते हैं, और इसकी पावर कितनी है, n+1 है। माइनस का कितना, 8n है, और माइनस का कितना है, 9 है। करते हैं इसको सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज़ करेंगे। सो ये हमारा क्या बनने वाला है, n+1 c1 इंटू में 8 की पावर 1 प्लस n+1 c2 इंटू में 8 की पावर 2 n+1 c3 8 की पावर 3 अप टू एन सो ऑन। और लास्ट टर्म हमारे पास आ जाएगा n+1 c n+1 और 8 की पावर आ जाएगी n+1। माइनस का कितना है, 8 है, और माइनस का कितना है, 9 है। एन सी जीरो की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और ये तो आएगा हमारा 1। ठीक है, और n+1 c1 कितना जाएगा हमारे पास, ये n+1 आ जाएगा, और इंटर में कितना है, 8 है। इन सभी में से यहां से लेकर के यहां तक वाले इन सभी टर्म में से हम क्या करते हैं, 8 स्क्वायर यानी कि 64 को बाहर ले आते हैं। जब 64 हमारा बाहर आएगा यानी कि 8 की पावर 2 बाहर चला गया, तो अंदर क्या बचेगा हमारा, n+1 c2 बचेगा प्लस n+1 c3 8 की पावर कितना आएगा, 1 आएगा इस बार, प्लस अप टू एन सो ऑन n+1 cn+1 8 की पावर कितना आएगा, यहाँ से 2 पावर बाहर चली गई, तो 8 की पावर कितना आएगा, एन माइनस का 1 आ जाएगा। गोट 8 की पावर 2 बाहर चली गई है, माइनस का 8n और माइनस का 9, तो यहाँ से प्लस का 8n आएगा और 8+1 9, और ये माइनस के है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, यानी कि 3 की पावर 2n+2 माइनस 8n-9। इसको मैंने कैसे लिख दिया, 64 का मल्टीपल और इंटू में हमारे पास कितना है, n+1 c2 प्लस n+1 c3 8 की पावर 1 अप टू एन सो ऑन। और ये क्या होगा, एक इंटीजर ही तो होगा, इसको हम क्या ले सकते हैं, 64 × k टाइम्स ले सकते हैं, फोर सम इंटीजर के, तो 64 का मल्टीपल आ गया। तो दिस इंप्लाइज 3 की पावर 2n+2 माइनस 8n-9 किससे डिविजिबल हो गया, 64 से, इज डिविजिबल बाय 64, हेंस प्रूव। यही प्रूफ करना था, मैं होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।